Thank you हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम है एंड आई होप आप सब लोग इस ज़बरदस्त मौसम को अपने घर के अंदर से ही इन्जॉय कर रहे होंगे और लॉकडाउन को प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया है कि बेसिक चीज़ें कैसे स्टोर करें जो हरी मिर्च है वो लंबे टाइम के लिए कैसे स्टोर करें हरा पालक कैसे लंबे टाइम के लिए स्टोर करें क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है हम नहीं चाहते कि चीज़ें वेस्ट जाएँ और जो चीज़ें हैं वो लंबी चलें क्योंकि बार बार खरीदने भी नहीं जा सकते तो ये देखिए इस हरी मिर्च को मैंने अच्छे से धो लिया है सुखा लिया है एकदम अच्छे से और डंठल को तोड़ लिया है इसे काफ़ी अच्छे से सुखाएं बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए और उसके बाद एक ग्लास के टिफ़िन में मैंने किचन टावल लगा लिया है कोई भी पेपर नैपकिन आपके पास जो भी है वो घर में उसको आप लगा लें और उसके बाद इसमें मिर्ची को अच्छे से भर लें भरने के बाद मिर्ची को इस जो किचन टावल है उससे कवर कर दें अच्छे से और कवर करने के बाद लिड क्लोज करके इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दें इससे आपकी मिर्ची कम से कम छः हफ़्ते तो चलेगी चार हफ्ते से छः हफ्ते तक तो की तो मैं गारंटी देती हूँ बिकॉज मेरी जो मिर्ची है वो अराउंड फाइव टू सिक्स वीक्स पुरानी है। और तब भी देखिए कितनी हरी है ये पुरानी मिर्ची है जो मैंने निकाली है और उसके बाद सेकेंड आते हैं पालक की तरफ तो ये पालक का बहुत बड़ा बाग है जो मेरे पास ये अराउंड वन पॉइंट फोर के जी डेढ़ किलो का बाग है जिसमें स्टेम्स वगैरह भी नहीं है पालक ही पालक है ट्रिपल वाश्ड होता है ये लेकिन तब भी मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और सुखा रही हूँ और कुछ पालक को मैं ब्लांच कर रही हूँ पालक पनीर बनाने के लिए तो इसके लिए मैंने एक नीचे एक टावल बिछाई है और उसके बाद ऊपर एक टावल और लगा लूँगी जिससे कि पालक का जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए और टावल जो है उसे अच्छे से सूख कर लेगी तो ये पालक भी एकदम सूख जाएगा बिकॉज गीला पालक अगर हम फ्रेश में रख देंगे तो वो सड़ जाएगा अभी इतना पालक है तो इतना डेढ़ किलो पालक तो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता ये चार पाँच बार आराम से चलेगा तो इसलिए मैंने इसे स्टोर करने के लिए सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया है जो मैंने स्टोर करने के लिए उसे आ, तो मिर्ची को फॉलो किया था एक मेरे पास ग्लास का तो इतना बड़ा कंटेनर था नहीं तो स्टील के कंटेनर में मैंने किचन टावल लगा लिया और उसमें पालक फिल करके सुखा के पालक फिल करके फिर मैं इसे कवर करके फ्रिज में रख दूंगी मैंने वीडियो शूट करना भूल गई या वीडियो की तो थी मैंने शूट पता नहीं वो क्लिप कहाँ गई जिसमें मैंने आपको प्रॉपर दिखाया हुआ था बट इसको भी एग्जैक्टली उसी तरीके से मैंने स्टोर किया है तो आई होप आप ये टिप्स छोटी छोटी टिप्स फॉलो करेंगे यूजफुल होंगी आपके लिए अगर यूज़फुल हैं ये टिप्स तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें जिससे कि और वीडियोज़ बनाऊँ मैं वो और